गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेपरकॉर्न किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चिकन मोमोज, जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लेंगे और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा टेक्सचर हो जाए और स्टफिंग में भी ईजी हो। तो यहाँ पे मैं चिकन ले ली हूँ, ये देखिए। अब इसमें मैं करीब एक प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज मैं एकदम बारीक चॉप करके ले लिया। अब एक चम्मच मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, एक चम्मच धनिया पत्ता, फिर स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे मैं एक चम्मच तेल डाली हूँ। अब एक चम्मच के करीब मैं यहाँ पे सोया सॉस डालूँगी, ये देखिए। अब बिल्कुल एक चम्मच मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूँगी। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ना है। अब यहाँ पे मोमोज बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है, उसमें आधा चम्मच नमक और करीब एक चम्मच तेल डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसे गूंद लेंगे। ये देखिए, गूंद लिया है मैंने। इसे गूंदने के बाद करीब 10 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा मैदा छिड़क लेंगे, ये देखिए। उसके बाद जो मैदा का डो बना के रखा है उसे ऐसे लंबे रोल कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। अब उसके बाद हमें बहुत छोटे छोटे साइज़ के पेड़े को कट कर लेना है। ये देखिए, हमें पेड़े के साइज़ को छोटा ही रखना है। ये देखिए, कट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं एक पूड़ी के साइज़ इसे बेल लूँगी, ये देखिए। हमें पतला बेलना है, जितना पतला बेलेंगे उतना ही अच्छा मोमो का शीट तैयार होगा। ये देखिए, हम लोग एक एक करके पहले सारे बेल लेंगे। ये देखिए, यहाँ बेल लिया मैंने। अब एक एक करके मोमोज बनाएंगे। यहाँ पे एक शीट ले लिया मैंने। अब इसमें करीब एक चम्मच यहाँ पे स्टफिंग रखूँगी मैं, ये देखिए। यहाँ स्टफिंग डालने के बाद किनारों पे एकदम ज़रा सा पानी ऐसे लगाएंगे ताकि जब हम लोग मोमोज का शेप देंगे तब ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से हम लोग को यहाँ पानी लगाना है। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं इसे मोमो का शेप दूंगी। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसे दोनों हाथ से पकड़ेंगे, ये देखिए, और एक इधर से ऐसे फोल्ड किया, ये देखिए, ऐसे फोल्ड करके बस इसे दबाते जाना है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है। फिर से मैं दिखा रही हूँ, ऐसे फोल्ड करना है, इसे दबाते जाना है, कुछ नहीं, बस ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, बहुत ही इजी है। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो ये बीच वाला गैप भी बंद कर सकते हो। इसी तरीके से मैं एक एक करके सारे मोमोज को रेडी कर लूँगी। ये देखिए, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इसे ऐसे टर्न करना है और बस प्रेस करना है। एक हाथ से टर्न करना है, एक हाथ से प्रेस करते जाना है। बहुत ही सिंपल है, ये देखिए।
लास्ट में वैसे ऐसे टर्न करके और इसके ऊपर में ऐसे प्रेस कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे मोमोज को रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, अब चलते हैं इसे स्टीम करने के लिए। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है, उसके ऊपर एक स्टैंड रख के मैं एक जालीदार प्लेट रखी हूँ। अब जैसे ही पानी गर्म हो जाए मैं इसमें मोमोज रख दूँगी। ये देखिए, ये मोमोज को मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो ये प्लेट में हल्का ऑयल भी लगा दें, इससे मोमोज पकने के बाद चिपकेगा नहीं और इसे करीब 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। ये देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं, ये मोमोज बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा मोमोज की रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।